कोसली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश यादव ने अपनी जीत का दावा किया है। जी मीडिया से बातचीत में कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश यादव ने 50,000 से ज्यादा वोट से अपनी जीत का दावा किया। साथ ही विधायक बनने पर कोसली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपना रोडमैप भी बताया। आज बात करेंगे कोसली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश यादव से, जिन्हें अब कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है अपना कोसली विधानसभा। जगदीश, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। लगातार लोगों के बीच में आप पहुंच रहे हैं, किस तरीके का प्यार और समर्थन मिल रहा है? बहुत उत्साह है लोगों में, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है जी। निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर सीधे तौर पर बात करें तो भाजपा से नहीं, कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत से टक्कर मानी जा रही, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह उनका कैंडिडेट है, भाजपा का नहीं, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा। तो एक ही बात है, तो भारतीय जनता पार्टी से जब मुकाबला है तो राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता है जी। मेरे से मुकाबला है तो भूपेंद्र सिंह चोटा मेरे नेता है जी। ये तो नेता अलग बात है, पर चुनाव विधानसभा का चुनाव, कार्यकर्ता का चुनाव जी, उम्मीदवार का चुनाव, इस चुनाव में तो उम्मीदवार की काबिलियत देखी जाती है, क्योंकि उससे काम करवाना है, ऐसे वोट नहीं मिलते किसी दूसरे नेता को देख के वोट दे देंगे। पार्लियामेंट में चल सकता है, विधानसभा में नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में भी और भी उनके टिकटार्थी थे जो टिकट मांग रहे थे, क्या अब अपने साथ चल रहे हैं या उन्होंने मनाया है या अभी अपने से दूर है? नहीं, सब साथ ही है। कोई एक आदमी, अगर कोई एक आदमी नहीं मान रहा तो उसकी अपनी सोच है, लेकिन पार्टी तो पार्टी होती, पार्टी के बिना चुनाव लड़ता उस आदमी की हालत जो होती है आप देख रहे ना उसकी हालत। कोसली विधानसभा से लोकसभा की अगर बात करें तो काफी अच्छा मार्ग दीपेंद्र हुड्डा का रहा था, अब विधानसभा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा कब आपके पास आने वाले, क्योंकि लगातार आप भी उनके प्रचार में जुटे हुए थे। अभी परसों 18 तारीख को आ रहे हैं सुबह 10 बजे दीपेंद्र हुड्डा जी का कार्यकर्ता सम्मेलन, हम बहुत बड़ा सम्मेलन रख रहे हैं वहाँ पे नाहर रोड पर, उजमी राम पैलेस में हमने कार्यालय खोला, उसके लोन में हम ये बड़ा प्रोग्राम रखेंगे और उस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सर, कांग्रेस में जुड़ने का सिलसिला जारी है, आज भी दिल्ली में 51 सरपंच शामिल हुए, उनको लेकर क्या कहेंगे? सब लोग छोड़ के जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश में। अगर आपने ये देखना हो कौन सी सरकार आ रही है तो आप ये देखिए किस पार्टी के लोग पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं, तो वो पार्टी की सरकार गई और जिसमें जा रहे हैं वो उसकी सरकार आई। अब कांग्रेस का साथ है, अब किस तरीके से जनता के साथ मिल रहा है और क्या कुछ अपील है जनता से? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जनता का, क्योंकि पार्टी का अपना समर्थक मतदाता होता है, कार्यकर्ता होता है, उसका बड़ा फायदा मिलता है। और मैं तो खैर पहले पार्टी से लड़ता था, जब भी इंडिपेंडेंट की तरह ही लड़ता था, क्योंकि तो हमारे यहाँ पार्टी का वर्चस्व नहीं था, इस पार्टी के मैं टिकट लेके आता था, जिससे मैं चुनाव लड़ता था उसकी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं थी, इसलिए मुझे इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ना पड़ता था। इस बार मुझे ये मौका मिला है जो पार्टी की वोट मेरे साथ है और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और सभी साथी एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलने वाली है। लोगों में बहुत भारी उत्साह है, जोश है और एक तरफा चुनाव है, क्योंकि तो वैसे मैं इसलिए नहीं कहता कभी कार्यकर्ता ढीले हो बैठ जाए, वरना तो हम 50,000 वोट से जीतने वाले हैं। तो ये माने कि जो लोगों का उत्साह है वो जगदीश यादव को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर चुका है जीत के लिए? आश्वस्त वो तो एक बात बताऊँ ना, आप पहले सर्वे करते थे, लोग जाते थे जी, तो अगर जगदीश यादव को टिकट मिल गई तो जीत गए, और किसी को मिलेगी तो नहीं जीतेगा। तो ये लोग कहने कहते थे तो जवान पे था, ये स्पष्ट था कि मेरे पक्ष में लोग। कोसली का वो विशेष मुद्दा कौन सा रहने वाला है इस बार चुनाव में, जिसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि इस बार अगर विधायक आप चुने जाते हैं तो वो काम सबसे पहले कोसली की जनता को मिलेगा? सबसे बड़ा काम IMT की स्थापना, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, वो हम यहाँ लेकर के आएंगे, औद्योगिक क्षेत्र बनेगा और उससे इलाके का कायाकल्प होगा, बेरोजगारी दूर होगी, निवेश होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि जब IMT बनती है तो बहुत सारे काम जुड़ जाते हैं, उससे लोगों को काम मिलता है, हजारों लोग काम पर लग जाएंगे, कोई दुकान चलाएगा, कोई दूसरे काम करेगा, एंसिलरी यूनिट लगती है फैक्ट्रियों की जो उनको सामान देते हैं, बहुत काम मिलता है और रोजगार मिलता है। आज रोजगार की समस्या बहुत बड़ी विकट समस्या है, बेरोजगारी इतनी भारी बढ़ गई है कि नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उसके लिए हम चाहेंगे कि एक तो रोजगार मिले,
दूसरा खेलों में विशेष रुचि पैदा करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमारा इलाके खेलों में पिछड़ गया। अब हरियाणा प्रदेश के तो मेडल लेके आए, लेकिन हमारे यहाँ का एक भी ना जाए, तो उसका कारण क्या है? कारण ये, उनको सुविधाएं नहीं मिली, उनको अवसर नहीं मिले। वो अवसर हम प्रदान करेंगे। हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में बढ़ती रेजुलेशन पास करेंगे, हम सरकार केंद्र सरकार को भेजेंगे कि इस योजना को बंद किया जाए, परमानेंट भर्ती की शुरुआत की जाए। ये योजना नौजवानों के भविष्य पर कुठाराघात है। आज इसमें कोई जाना भी नहीं चाहता है, और 4 साल की नौकरी करके उनको बेरोजगार बनाने की योजना इस सरकार ने बनाई है। और हरियाणा प्रदेश की हालत ही है, कौशल रोजगार नियोगम बढ़ा दिया जी। वो भी एक सरकारी ठेकेदार है, तो उसमें मन चाहे लोगों को नौकरी पर लगा देते हैं, ना पूरी तनख्वाह देते हैं, ना रिजर्वेशन होती है, ना मेरिट का ख्याल रखते हैं। जिसको चाहे उसको नौकरी लगाते हैं, जिसको चाहे जब हटा दो। हमारी सरकार आएगी तो हुड्डा साहब ने बात कही, तो लगे हुए उनका उनको भी हम एडजस्ट करेंगे, और आगे से नई भर्ती हम सरकारी नौकरी की पक्की भर्ती करेंगे। रेवाड़ी से नवीन शर्मा, सी मीडिया।